A very good morning all of you. Welcome to the new light prayas channel. To 10 kadam ka aaj 24th day hai. Ek bahut important chapter ko aaj hum analyze karenge, fast revision karenge, that is biodiversity and its conservation. Beta ye bahut hi important chapter hai. 2 se 3 question every year isse puche jate hain. To bilkul time nahi waste karte hain aur iske pyramid ke study karte hain. Total page number hai 11. 258 to 268 questions asked in 10 years are 30 2 to 3 questions per page ka average hai to aap dekh sakte hain kitna important ye bhi chapter hai aur last time mein humne aise hi chapters uthaye hain jisme se 2 se 3 question aate ho 267 page is the hot spot 10 question aa chuke hain is page se 267 page number ये है आपका एक्सीटू एंड इनसीटू कंजर्वेशन 266 पेज नंबर ये भी आपका इनसीटू एक्सीटू कंजर्वेशन का पार्ट है 260 263 259 269 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 266 267 है तो अब जब 3 दिन बचे हैं 72 आवर्स हैं तो हमें बस ऐसे ही फास्ट रिवीजन की जरूरत है कि 15 टू 20 मिनट्स में हम चैप्टर के हॉट स्पॉट पॉइंट्स को रिवाइज कर लें तो हम इसको पहले रिवाइज करेंगे आपकी बुक के थ्रू अगर डेटा वाइज देखा जाए तो पहला डेटा जो आता है वो होता है आपका कि कितनी स्पीशीज हैं एंट्स की बीटल्स की फिशेस की एंड ऑर्किड्स की तो ये आपका दिया हुआ है 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स एंड 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स अब जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पेज से आता है एक तो ये आपका डेटा वाइज इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट आता है आपका बायोडायवर्सिटी टर्म किसने पॉपुलराइज किया था बायोडायवर्सिटी टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय तो यहाँ पे याद रखना है सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन एडवर्ड विल्सन भी याद रखना है और इनकी साइंस की फील्ड क्या थी सोशियो बायोलॉजिस्ट चलिए ये इस पेज के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अब था टाइप ऑफ डाइवर्सिटी तो टाइप ऑफ डाइवर्सिटी अगर आप देखें तो सबसे पहले आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या हो रहा है एक ही स्पीशीज में डाइवर्सिटी मिलेगी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में राउ वोल्फिया वोमिटोरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आपके हिमालयन रीजन में आप देखेंगे तो इसका एक एक्टिव केमिकल है रेसरपिन एक्टिव केमिकल इज रेसरपिन जिसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग मिलता है इंडिया में 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के एंड 1,000 मैंगो राइस के 50,000 हैं और मैंगो के 1,000 है स्पीशीज डाइवर्सिटी स्पीशीज लेवल पे होती है फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की ज्यादा स्पीशीज हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि किस घाट में ज्यादा है वेस्टर्न में कि ईस्टर्न में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने ज्यादा मिल रहे हैं तो देखा जाए तो इंडिया में इकोसिस्टम्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे आगे एक क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था कि रॉबर्ट मे ने स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी बताई है इट इज अराउंड 7 मिलियन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा अगर इन वर्टिब्रेट्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं देन आपके मोलस्क हैं देन क्रस्टेशियंस और बाकी एनिमल ग्रुप्स एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं तो आपको जो याद रखना है इंसेक्ट 70% है वर्टिब्रेट्स में देखा जाए तो फिशेस सबसे ज्यादा हैं और अगर प्लांट किंगडम में देखा जाए तो फंजाई सबसे ज्यादा है ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है अगले पेज में कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स में कितनी बर्ड्स मिलती हैं तो यहाँ पे याद रखना है CNG कोलंबिया न्यूयॉर्क ग्रीनलैंड यहाँ पे है अराउंड 1400
यहाँ पे मिलती हैं, सेंचुरी मार दी है तो आपकी 105 स्पीशीज मिल रही हैं, यहाँ पे हाफ सेंचुरी है 56 स्पीशीज है सीएनजी। तो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं डाइवर्सिटी कम हो जाती है। इंडिया में बर्ड्स की जो संख्या है दैट इज 1200 इन इंडिया, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में बेटा 1300 है। तो बर्ड्स की तीन जगह पे स्पीशीज दी हुई है, इन इंडिया इट इज 1200, आपके अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में 1300 है और कोलंबिया में 1400 है। एम्फीबियंस और मैमल्स 427 है, रेप्टाइल्स 378 है और 1,25,000 से ज्यादा आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स पे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टेबल आपका एनवायरनमेंट ज्यादा समय तक रहता है, सोलर लाइट भी यहाँ पे ज्यादा मिलती है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले तो आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये ज्योग्राफिस्ट थे, ज्योग्राफर थे और इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उसमें आप याद रखिएगा, ये जो आपका ग्राफ बनता है ये है एस का जेड, इसे याद रखिएगा, एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, इसी को लॉग स्केल पे खोल देंगे, लॉग एस लॉग सी जेड लॉग ए, यह है लॉग लॉग स्केल और यह है सिंपल स्केल। तो यह था आपका स्पीशीज रिचनेस वर्सेस एरिया का ग्राफ। इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे हम अपना स्टडी का एरिया बढ़ा देते हैं स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो इतना नहीं इंक्रीज करेगी। जेड जो होता है बेटा स्लोप ऑफ द लाइन है, रिग्रेशन कोफिशियंट है, इसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 होगी चाहे आप किसी भी प्लेस की बात कर रहे हो या किसी भी स्पीशीज की बात कर रहे हो। लेकिन जब स्पीशीज का ये आपका जो एरिया ऑफ स्टडी है ये बड़ा लेंगे तब इसकी वैल्यू 0.6 से 0.1.2 हो जाती है। और यहाँ पे पूछा गया है फ्यूगीवोरस बर्ड्स, फ्यूगीवोरस बर्ड जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं उनके लिए कितना होता है, दैट इज 1.15। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा इस पेज के जो आपको ध्यान रखने हैं। डेटा इस चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन कोरिलेट करके याद करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। 0.1 to 0.2 नॉर्मली होती है जेड की वैल्यू, अगर एरिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल लेवल पे ले रहे हैं देन इट विल बिकम 0.1, 0.6 to 1.2 और फ्यूगीवोरस बर्ड्स के लिए इट इज 1.15। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी? ये दी थी पॉल एलरिच ने, कहाँ के साइंटिस्ट थे, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे। यहाँ पे एयरप्लेन को इकोसिस्टम बताया गया है और रिवेट्स यानी जो कीले हैं वो स्पीशीज हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट स्पीशीज को हटा दिया जाएगा, जैसे आप किसी प्लेन में विंग्स की कील को हटा दीजिए तो एयरप्लेन आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, ऐसे ही इकोसिस्टम की स्पीशीज को आप हटा देंगे तो आपका इकोसिस्टम भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो याद रखिएगा पॉल एलरिच स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट इज इक्वल टू स्पीशीज एंड पॉपर इज द एयरप्लेन इज द इकोसिस्टम। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के डेटा में याद रखना है कि पैसिफिक आइलैंड्स में 2000 से ज्यादा स्पीशीज नेटिव बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो गई हैं। आईयूसीएन की रेड बुक के हिसाब से 784 एक्सटिंक्ट हुई हैं और इनवर्टिब्रेट एक बड़ा वर्ड है वर्टिब्रेट की तुलना में, तो इनवर्टिब्रेट बड़ा है तो इनवर्टिब्रेट की संख्या भी ज्यादा हुई है, दैट इज 359। गुड मॉर्निंग अर्चना, अंशी, संपू, शिवांशु, स्वाति। जैसे अब याद क्या रखना है, 500 इयर्स में 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की थी और इनसे कम होगी 338 अराउंड वर्टिब्रेट्स की, 87 प्लांट्स की है। स्टेलस सी काउ रशिया में है, एक्सटिंक्ट हुई है। क्वग्गा अफ्रीका, थाइलासाइन ऑस्ट्रेलिया, डोडो मॉरिशियस, लास्ट 20 इयर्स में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन 15,500 को है,
इसमें सबसे ज्यादा एम्फीबियंस को खतरा है, दैट इज 32%। फिर आप प्लांट किंगडम में देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म्स, दैट इज 31%। जिम्नोस्पर्म्स में 31% है और मैमल स्पीशीज में 23% है, जस्ट अपोजिट। और 12% 12 बर्ड्स, या से याद रखिए 12 बर्ड्स, 32 एम्फीबियंस, 31 जिम्नोस्पर्म्स, 23 हैं आपके मैमल्स। अभी तक बेटा कितने आपके एक्सटिंक्शन हो चुके हैं? 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 6th चल रहा है जिसकी स्पीड 100 to 1000 times ज्यादा है। कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस में चार हैं, इन्हें इविल क्वाड्रेट कहते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो रहने की जगह है वो अर्बनाइजेशन की वजह से गायब होती जा रही है। जैसे 14% अर्थ का लैंड एरिया जो था रेन फॉरेस्ट का, वो अब सिर्फ 6% रह गया है। अब वहां सोयाबीन की खेती के लिए साफ किया जा रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बेटा आपके दो जो एग्जाम्पल दिए हैं, दैट इज स्टेलस सी काउ एंड पैसेंजर पिजन। एलियन स्पीशीज तीन याद रखनी है बेटा, आइकॉर्निया, लैंटेना एंड पार्थीनियम। पार्थीनियम का एक पॉइंट और याद रखिएगा, पार्थीनियम वीट के, इंपोर्टेड वीट के साथ में आया था और ब्रोंकियल एफ्रिक्शंस करता है पॉलन एलर्जी की वजह से। नाइल पर्च लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में आई थी, जिसने वहां की सिक्लिड फिश को एक्सटिंक्ट कर दिया। को एक्सटेंशन बेटा, अगर दो लोग आपस में डिपेंडेंट हैं तो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में है, तो अगर एक एक्सटिंक्ट होगा तो दूसरा भी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर किसी प्लांट का स्पेसिफिक पॉलिनेटर है और वो पॉलिनेटर हट जा रहा है, एक्सटिंक्ट हो गया है, तो वो प्लांट भी आगे जनरेशन नहीं बना पाएगा। नैरोली यूटिलेरियन का मतलब होता है जो हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं। ब्रॉडली यूटिलेरियन मतलब जो हमें फैसिलिटीज प्लांट से मिलती हैं, लाइक ऑक्सीजन। है बेटा, मैं आज पहले तुमको बुक से करा दे रही हूँ ताकि पेजेस के हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स बता रहे हैं, वो भी मैं अभी दिखाऊंगी आपको। बायोडायवर्सिटी बेटा, एंडेमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडेमिज्म का मतलब होता है जो कोई स्पीशीज सिर्फ एक ही जगह पे कहीं मिलती है, यानी अगर वो उस जगह से गायब हो गई तो वो पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगी। 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इंडिया के हॉटस्पॉट्स हैं वेस्टर्न घाट्स ऑफ श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालया। इसके अलावा हॉटस्पॉट का अगर टोटल एरिया देखा जाए तो सिर्फ 2% है, ठीक है? और अगर हम हॉटस्पॉट्स को कंजर्व कर लें तो हमारा जो ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन है वो 30% रिड्यूस हो जाएगा। तो बेटा जब हम जहां पे एक्सटिंक्शन हो रहा है उस पूरी जगह को ही कंजर्व कर लेते हैं, वी कॉल इट इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है? या ऑन साइट, जो भी साइट है उसी को कंजर्व कर लिया। अब इसमें याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़े होंगे। बायोस्फीयर बहुत बड़ा टर्म है, तो वो सबसे कम है 14। फिर 5 times है, 9 से 90 और एन से नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आर 90, 448 आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 14, 90 और 448 ये इन सीटू कंजर्वेशन है। सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं ये भी आपके इन सीटू कंजर्वेशन में है। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब आप अलग से, आप उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उनको कहीं पे कंजर्व करें, लाइक जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी। तो याद रखिएगा बेटा, एन फॉर 90, एन फॉर नेशनल पार्क, 14 बायोस्फीयर्स हैं, पॉलन बैंक्स, जूलॉजिकल पार्क, ये सब आपके एक्स सी टू कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन है। दो यहाँ पे आपको इवेंट्स याद रखने हैं। एक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में, और एक है 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट वॉज डन इन जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका। इसमें 190 कंट्रीज ने पार्ट लिया था और 2010 तक बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करने, रिड्यू रिडक्शन को रोकना था। बस बेटा आप देखिए, आप इस पीडीएफ से भी देख सकते हैं, बोटेनिकल गार्डन इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन बिकॉज बोटेनिकल गार्डन इज अ मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स
एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन, अर्थ समिट रियो डी जेनेरो 1992, सीड बैंक, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स आर इंक्लूडेड इन एक्स सी टू कंजर्वेशन बट सैक्रेड ग्रूव्स आर नॉट इंक्लूडेड. निश इज द फंक्शनल रोल प्ले बाई ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स. द रीजन ऑफ बायोस्फियर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इज नोन एज कोर जोन. वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क क्या है बेटा? एक्स सी टू कंजर्वेशन. Alexander von Humboldt described for the first time species area relationship. Habitat loss and fragmentation is the most important cause of animals and plant being. देखो दो बार ये क्वेश्चन आ गया, habitat loss and fragmentation. Least genetic diversity is characterized feature of cropland ecosystem. Parthenium is threat to biodiversity, alien species है. Red list contain data on threatened species. 34 hotspots are present in the world. Dachigam National Park जम्मू कश्मीर में है. हंगूल या मस्क डियर यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है. Cryopreservation of gametes is a ex-situ conservation. जब कोई species किसी particular region में ही मिलती है, not found elsewhere, it is known as the endemic species. The organization which publishes the red list is IUCN. An example of ex situ conservation is seed bank. देखिए in situ और ex situ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं. Insect represent maximum number of species. Shifting cultivation is not a ex situ plant conservation. Shifting या झूम cultivation ex situ plant conservation नहीं है. Seed bank, botanical gardens, field gene banks ये सब आपके ex situ plant conservation है. वेस्टर्न घाट जो है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम. EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी. सीड बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन. बाकी बेटा ये पॉइंट वाइज पूरा चैप्टर है, कब कौन सी लाइन पूछी गई है ये PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा. तो विद दिस वी हैव रिवाइज्ड द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. आई होप इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. बचे हुए टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज करिए, मैक्सिमम रिविजन कर लीजिए. फिर मिलते हैं कल, तब तक हैप्पी लर्निंग. और अपने आप पे भरोसा रखिए, आप बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, अब बस रिवीजन करिए और यू ऑल कैन डू इट. ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.